वेलकम टू माई क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 45/8 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। ये है क्या, ये फ्रैक्शन है। ओके, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, एक ये और एक ये। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सिंपल ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसी तरह करेंगे। 45/8 आपके पास है, आपने क्या करना है, आपने ये करना होता है। जब भी आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है ना, तो आप यही करते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है सिंपल, इतना समझ लें, उसको आपने अंदर रखना होता है हमेशा। जो नीचे वाला नंबर है उसको बाहर रखना होता है। यही रूल इसमें है, यही रूल उसमें है, जब आपने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा आपने फ्रैक्शन का जो ये पार्ट है ना, न्यूमरेटर, उसको अंदर रख लें, जो ये है उसको बाहर रख लें। समझ आ गई। ये नहीं है कि बड़ा छोटा, अगर आपने डेसिमल में करना होता है ना कन्वर्ट, तो समटाइम्स ये होता है, तो इससे जैसे 8 ऊपर आ जाए, 45 नीचे आ जाए, फिर ये नहीं होता कि छोटा मतलब नीचे ही है बड़ा ऊपर है। ठीक है, उसमें फिर उस तरह के भी आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस के, छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नीचे होता है फिर। इसलिए तो आपने बस ये अभी के लिए याद रख लें कि जब फ्रैक्शन होता है उसको सॉल्व करना होता है ना, तो जब डिवाइड करना है। ठीक है, तो बेशक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बेशक आपने उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, जो ऊपर वाला उसको अंदर रख लें, जो नीचे वाला उसको बाहर रख लें। इतना समझ आ गया, चलें आगे करते हैं। अच्छा, 8 के अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, तो 8 3 टाइम्स क्या होता है, 24 होता है। नहीं, अभी छोटा है। 8 8 टाइम्स 64 बड़ा होता है। 8 5 टाइम्स 40, 8 5 टाइम्स 40 होता है। सही है, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो हमें 45 से छोटा लेना है यहाँ पर, या 45 के इक्वल लेना है। तो 8 5 टाइम्स 40, 8 6 टाइम्स 48। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम 8 6 टाइम्स लेते हैं 48, वो तो बड़ा आ जाएगा 45 से। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, 8 5 टाइम्स ही ले लेते हैं। 8 5 टाइम्स क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करवाते हैं। तो 5 में से 0 को माइनस करवा देंगे, ऑफ कोर्स 5 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आपने सॉल्व नहीं करना, बिकॉज आपने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देने हैं। अगर आपने डेसिमल में देना होता, आपने आगे भी सॉल्व कर देना था। यहाँ 0 लेना था, वो 0 उतारना था, यहाँ पर पॉइंट और देन फिर हमने सॉल्व कर देना था। लेकिन यहाँ तक अब हमने बस कर देना स्टॉप। अब आप जो क्वेश्चन आपके पास था वो पहले यहाँ पर लिखें, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। 45/8 है फ्रैक्शन, वो लिख दी। इसका आंसर आपने हमेशा याद रखना। अगर आप इस तरह याद रखेंगे ना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपने क्लोक वाइज में आंसर लिखना होता। अभी क्लोक कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, जो मैं आपको ऐसे कर रही हूँ बता रही हूँ, तो इसमें क्या क्या आ रहा है। एक ये आ रहा है, एक ये 5 आ रहा है, और एक 8 आ रहा है। ओके, तो जस्ट आपने बस इतना याद रखना है। तो ये जो है इसको इधर लिख दें, ये जो है इसको इधर लिख दें, और ये जो है इसको इधर लिख दें। कि मतलब आपने जैसे क्लोक में नहीं होता ऐसे टिक्स, तो आपने भी उसी सीक्वेंस में लिखना है। पहले इसकी बारी है, इधर लिख दें। फिर ये आ रहा है तो इसकी बारी है, इधर लिख दें। फिर इसकी बारी है तो उसको नीचे लिख दें। ठीक है, जो ऊपर होगा सबसे उसको इधर लिख देना, जो नीचे होगा उसको इधर लिख देना, जो इधर होगा उसको इधर लिख देना। ये होता है हमारे पास कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेंड। ओके, तो इस तरह हम हमेशा लिखते हैं। अब आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आती है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने बस इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है, और इस तरह सॉल्व करना है, और उसके बाद क्या कर देना है, ऐसे क्लोक वाइज में आंसर लिख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।